हेलो फ्रेंड्स, आज जिस मुहावरे पर मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो मुहावरा है, तेरिया से राज छिपे न छिपाए। किसी गांव में एक पति पत्नी बहुत ही प्यार से रहते थे। दोनों को एक दूसरे का पूरा पूरा विश्वास था। पत्नी के प्यार की वजह से पति अपने घर वालों से अलग हो गया था। पति ये जानता था कि उसके मम्मी पापा बहुत ही सीधे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी के लिए उनसे लड़ता था। वो हमेशा ही अपनी पत्नी का पक्ष लेता था और कोई भी जरूरी बात को वो अपने माता पिता भाई बहन को ना बताकर सिर्फ अपनी पत्नी को ही बताता था। एक दिन वो घूमता हुआ गांव के काका के पास गया। काका बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे। उसने काका से अपनी पत्नी की बहुत ही बढ़ाई की। उसने काका को बताया, काका, मैं अपनी पत्नी से कभी भी कोई बात नहीं छुपाता। मैं अपने घर को शक की नजर से देख सकता हूँ, लेकिन अपनी पत्नी पर कभी भी शक नहीं करूँगा। उसके चुप होने के बाद काका ने कहा, देखो बेटा, अपनी पत्नी पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करना ठीक नहीं है। पहले अपनी पत्नी की परीक्षा लेकर देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि वो कितनी राज की बात छुपा सकती है। कभी कभी सच्चा प्यार करने वाली नारियां भी नासमझी में अपनी पति की भलाई करने के चक्कर में उनका नुकसान कर बैठती हैं। काका की बात सुनकर वो बहुत ही बेचैन हो गया और उसने अपनी पत्नी की परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया। उसने काका की सलाह से एक योजना भी तैयार कर ली। एक दिन वो अंगूठे में कटा हुआ तरबूज लेकर आया। उसमें से लाल बूंदे टपक रही थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, आज मैंने एक आदमी का सिर काट दिया, इस बात को राज ही रखना। अगर गांव में ये बात किसी को पता चल गई तो पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगी और मुझे फांसी की सजा मिलेगी। उसने अपनी पत्नी से फावड़ा मांगा और घर के पीछे एक पेड़ के नीचे अंगोछे में लिपटे हुए तरबूज को गड्ढा खोदकर जल्दी से दबा दिया। उसकी पत्नी इस घटना के बाद बहुत ही परेशान रहने लगी। उसने अपने पति से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत ही घुटन महसूस हो रही थी। वो अपने मन के बोझ को किसी से कहकर हल्का करना चाहती थी। दुखी होकर उसने ये बात अपनी पड़ोसन को बता दी। उसने पड़ोसन को कसम दी कि वो इस बात को किसी को ना बताए, वरना उसके पति को फांसी हो जाएगी। उस महिला ने ये बात अपनी पड़ोसन को बता दी। ये बात एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को और तीसरे ने चौथे को बता दी। इस तरह ये बात पूरे गांव में फैलते फैलते पुलिस तक भी पहुंच गई। दूसरे दिन दरोगा साहब कुछ सिपाहियों को लेकर उसके घर पहुंच गए। दरोगा ने उसकी पत्नी से पूछा, जल्दी बताओ कि तुम्हारे पति ने सिर कहां दबाया है? अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो तुम्हें फांसी लग जाएगी। दरोगा की डांट सुनकर उसकी पत्नी डर गई। वो उस जगह को दिखाने पुलिस वालों को ले गई जहां पर गड्ढा खोदकर उसके पति ने वो तरबूज दबाया था। पुलिस ने उस जगह को खोदकर अंगोछे में लिपटा हुआ तरबूज निकाल लिया। वहां पर काका भी थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि उसने अपनी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए ये सब नाटक किया था। काका जी ने कहा कि तिरिया से राज छिपे ना छिपाए।